रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने क्या डिसाइड किया? आपका लॉयर हूँ, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं सच कह रही हूँ, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। आप क्यों उस आदमी को बचाना चाह रही हैं जिसने आप ही को फंसाया है? किसे? जो आपके जेल जाने की पूरी प्लानिंग कर चुका। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड, रीजन क्या है, क्यों आप उस आदमी को बचाने के लिए अपनी गर्दन आगे कर रहे हैं? उनका नाम अनुज है। ओके ओके, अनुज, तो आप क्यों अनुज को बचा रहे हैं? हर ट्यूसडे को सिद्धि विनायक मंदिर जाया करती थी पापा को थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस मंगलवार को उन्होंने मेरी जिंदगी बदलने का फैसला ले लिया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 10 साल से देख रही हूँ इसे, जो लड़कियाँ इसके कंधे तक आती थी अब वो भी शादी करके अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है। अब उम्र निकलती जा रही है मगर बप्पा की कृपा उस पर हो ही नहीं रही है। अब बप्पा भी अकेले क्या करें? ये गौरवी है जो हर रिश्ते में शर्त रखती है कि शादी के बाद अपनी सारी कमाई मायके वालों को देगी। अब हमारे इसमें ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो? ये आंटी लोगों की लाइफ में ना शादी वादी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। लड़की कुंवारी मतलब बेचारी। छोड़ना, केयर करते हैं इसीलिए तो बात कर रहे हैं, वरना आजकल कहाँ किसी को किसी की पड़ी है। मैडम नेगेटिविटी की खान में से ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हूँ। देख आज ना मैं तेरे लिए बप्पा से ना एक अच्छा सा लड़का मांग लेती हूँ, अपने लिए ना सही कम से कम इन आंटियों के लिए शादी कर लो। ए, मांगना है तो हैप्पीनेस मांग, पॉजिटिव लाइफ मांग, क्या लड़का मांग लेती हूँ? मतलब उस रिलेशनशिप का क्या फायदा जिसमें खुशियाँ ही ना हो, है ना? सुना, कल तक जो तेरे कंधे पर आती थी आज तुझसे भी ज्यादा समझदारी की बात कह गई। ऐसे लोगों की कहानी और किस्मत दोनों स्पेशल होती है। पप्पा फुर्सत में लिखते हैं, मजे लेकर मजेदार। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। वेरी नाइस, चलो चलो जल्दी खत्म करो अपना होमवर्क, मेरे नेक्स्ट बैच आने वाली है। चलो आई, मैंने पोहे चढ़ाए, प्लीज देख लेना। अब हाँ देख, मैं मशीन लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ। ओ मिस अस्मिता मरकर, इंस्टा क्वीन, बेड से निकलेंगी आप अगर आपका सबको गुड मॉर्निंग बोल के हो गए हो तो? लाइफ इज सो अनफेयर ताई। क्यों? श्रेया के पोस्ट को तेरी पोस्ट से ज्यादा लाइक्स मिल गए क्या? वो पहले वॉशिंग पाउडर का ऐड आता था ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ए पागल है, गरम है। अरे ये वड़ा पाव इतने सारे क्यों लाई है? अरे सबके लिए लाई हूँ आई, वो दादा के यहाँ पे भिजवाने। दादा के यहाँ पे? आई मीन तुम्हारा लाया हुआ दादा को कहाँ पसंद आएगा ताई, उनके लिए तो वहनी बनाएंगे ना स्पेशल वाला वड़ा पाव, ओनली फॉर कपल्स। हाँ तो वहनी दादा को हमसे अलग करके ले गई और आप दोनों अभी तक उनसे अलग नहीं हो पाए। चुप कर, बच्ची है ना, बच्ची बन के रहे। अरे कोई लाएगा नाश्ता हमारे लिए? हाँ आले आले ताई। मिरेकल में डबल एल होता है कि सिंगल? सिंगल। क्यों आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो? सब मशी मशी फिल्म्स में होता है, बस पब्लिक को उल्लू बनाने का तरीका। अच्छा तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हो?
और हर ट्यूसडे चल के इसे दिव्यनाय क्यों जाते हो? भगवान जी को थैंक्स बोलने कि ना तो कोई मिरेकल्स चाहिए और ना ही कोई एक्सीडेंट्स। सिंपल लाइफ जीना इजी होता है ना। होप अब कोई मिरेकल ना होने वाला हो। हेलो गौरवी करमारकर जी, कहिए। मैं मेहता डायमंड्स से डीपी मेहरा बोल रहा हूँ। वो मेहता डायमंड्स के विलेपाले ब्रांच का डायमंड सेक्शन तुम ही हैंडल करती हो ना? बॉस ने वो DS3 डायमंड नेकलेस मंगवाया है। गेट इट इमीडिएटली एट द इवेंट एट गोल्डन चैरियट। जी ओके। सो द नेकलेस विल बी हियर सून। What an evening it's going to be. A good one. A very good one. Simply love the necklace these models are wearing. Yours is on the way. Thank you so much. Super excited. I know. See you tonight. I'm very excited. I'll see you later tonight too. Bye. Bye. Mehta's ka fusion fashion show. वो जो MMRDA की 5-star में ताई आपको बुलाया है क्या वहाँ पे? चीफ गेस्ट बन के नहीं जा रही हूँ, मुझे नेकलेस डिलीवर करना है वहाँ पे। ओह वाओ, श्रेया भी वहाँ से लाइव जाने वाली है। मैं सिर्फ 5 मिनट में ना के आती हूँ। अरे अस्मी, लेकिन ताई जाना मत। ताई ताई प्लीज। आहो चाहान बगू। 2 मिनट बाबा। ए गैस पर है। ताई अभी पैदल शक्ति विनायक जाके आई है और अब आप चाय बनाए। तो एक काम कर, जा तू जाके बना ले। अपने काम की वैल्यू पता है मुझे, तो मैं तो लेट हो नहीं सकता। काम ही पूजा है। ये पूरा दिन काम करके तू बोर नहीं हो जाता? हाँ तो छोड़ दूँ, आपकी तरह VRS लेके घर बैठ जाता हूँ इसी चेयर पे। सुना? अरे तू यहाँ बैठेगा तो मैं कहाँ बैठ। अरे वाह बाबा, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता? ताई जॉब पर से वापस आती है, आई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कॉलेज जाती है और आप यहाँ बैठ के सिर्फ लोगों पे ऑर्डर चलाते हैं। बच्चे बैठे हैं यार जी, दादा को फटा पाओगे क्या? अरे मैं क्यों जाऊँ देने, उनको खुद आना चाहिए अपनी बीवी की परमिशन लेके, घर के बड़े। अरे या चहा नाश्ता काही तरी। अरे दादा अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास आई रही थी, वो मैं वड़ा पाव लेके आई थी ना आपके लिए, तो ये लीजिए। नहीं चाहिए, हमें लेट हो रहा है। और वैसे भी अनिकेत ने कहा ना, ये मेरे परमिशन के बिना कुछ करते नहीं है। चलिए राहु दे, लेट होता। आइए तो बाबा। बाय बड़ा। हैव अ गुड डे। गौरवी ये ले, तेरा और अनिका डिब्बा है। चलो मैं भी निकलती हूँ, रश्मि को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मैं उसका वेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? और तू शांति, नो क्रांति, समझा? चलो बाय बच्चे लोग, बाय। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या? नीचे स्टोर से ना एक्चुअली जो फैशन शो में सामान डिलीवर करने के लिए जाना है। yes, मैं निकलती हूं, बाय बाय। वेरी सिंसियर गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ हर। हां आप काम तो करते हो नहीं, थोड़ी शर्म ही कर लिया करो। क्या बोल रहा है, काम नहीं कर रहा हूँ? अरे अखबार पढ़ रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, चाय ठंडी हो गई। हाँ देखो मैंने जो बोला था, गाड़ियाँ आना शुरू हो गई है, सब तैयारी अब ठीक है ना? नीचे हाँ राघव तुम नीचे ही खड़े हो ना? हाँ ठीक है। आगे वो एक गाड़ी आ रही है व्हाइट कलर की, फॉर्च देखो एक गाड़ी आ रही है व्हाइट कलर की 767 है, एकदम एंट्रेंस के पास ही उसको पार्क करवा दो। हाँ और एक ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही है।
are from the glitter. Could you please guide us? Ji ji. You go straight, then left again, counter, then there. Namaste. हाँ वो गाड़ी आएगी नहीं. Hi guys, as you can see, it's Amita's party and it is going to be spectacular. So stay tuned for more updates. Hi Shreya. Hi. How are you? Looking gorgeous. Yes. Thank you. How's it going? Loving it, yeah. Congrats to you and your family. Thank you. And it's spectacular, you know. What else did you expect? That's great. So Rishi, come here. Hello. All right. Wait a second. Hi. Hi. Hello there, everyone. Once again, hello. Meet Rishi, my brother. What's up? The gloss of Mehta Industries. And an eligible bachelor. Pretty eligible, yes. Yeah, occasionally single. Occasionally, yeah. But always ready to mingle. True story. Can I go? Yeah, mom is all waiting right. for you, so go meet. Okay, bye. Anyways, yeah. So. तुझसे पैर छुवाने के लिए हर बार इतना महंगा जुर्माना भरना पड़ेगा. Come on, yeah, mom. बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ और तू भी. अच्छा सुन मॉम, आई हैव टू अटेंड टू समथिंग, सॉरी. अरे व्हाट हैपेंड अबाउट द अदर नेकलेस? सर वो लड़की पहुंचने ही वाली होगी. शी इज नॉट रीचेबल. पास प्लीज. जी मैम, ये वाला आई कार्ड नहीं, आप इनविटेशन कार्ड दिखाइए, उसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते. लेकिन मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है. और मैं मेहता डायमंड्स के विले पाले ब्रांच से आई हूँ. ये हार मुझे अंदर देना है, थोड़ा अर्जेंट है. नहीं 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 मैम, बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकते. हाँ, मैं आ रहा हूँ. नहीं पर आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे खुद मेहरा जी ने फोन किया था यहाँ आने के लिए. और इट्स अ लिटिल सॉरी. लेनी थैंक यू. नो मेंशन. शुजा प्रॉब्लम शुजा. सर इन्हीं के लिए आपको बुलाया है, इनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है. लेकिन मुझे मेहरा जी ने खुद फोन करके बुलाया है. नहीं नहीं, ये आप मेरा पास रख लीजिए. तो ये अंदर भी चलेगा? हाँ, इससे आप अंदर कहीं भी जा सकती है. ठीक है, बट थैंक यू सो मच. नो मेंशन. नहीं, डोंट मेंशन. जी नो मेंशन नहीं, डोंट मेंशन. डोंट मेंशन. The high-profile Indians attend the fashion show because everyone knows that a necklace from the Mehtas is for keeps. Or internationally, हम नए market segments को touch करना चाहते हैं. तो it's based out of interview. A lot of focus-driven. Yeah, interview चल रहा है मैम. कौन है? अब मैं गौरवी. वो मैं एक्चुअली आ तो पहले गई थी बट इवेंट पूरा होने का वेट करो, जाते समय इसे अपने साथ ले जाना. एंड मेक श्योर कि डिलीवरी एंड रिसीप्ट स्लिप पे साइन हो. ओके जी. मालकिन सब ठीक लग रहा है ना? तू है कहाँ? कब से ढूंढ रही हो तुझे? नहीं वो नीचे थोड़ा काम था, तू बैठ. मैं उसका बैठ. लिसन, आई हैव टू मोर गेस्ट्स विद माय वीआईपी गेस्ट, यहां बिठा सकते हैं प्लीज? विमल भाई, मेहुल भाई, कुछ कम से आओ ना, आपने 5 रुपए से. थैंक यू थैंक यू. जो भी बचा हुआ खाना होगा उसका क्या? सर इवेंट खत्म होगा तो उसको फेंक देंगे. फेंक ना, वेस्ट मत करना. एक काम करना, मंथारू जी आपके बॉस है ना जी, उनको कहना कि मैंने कहा है कि सारा खाना जो है ना वो पैक करके मेरी गाड़ी में रखना. ओके सर. ठीक है.
और भी क्या है कि मैं घर के बाहर बंद हो गया हूँ। चाबी तो तेरी मम्मी के पास है ना, और कांचन का फोन लग नहीं रहा। और रनी कहते हैं जो ना मेरे नखरे उठाता है ना मेरा फोन इस वक्त उठा रहा है। तेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है ना घर की? आ जाना बेटा जल्दी। बाबा मैं ना इस वक्त इवेंट में हूँ। तो मैं क्या करूँ, भूखा प्यासा धूप में खड़ा हूँ, कुछ खाने को भी कुछ नहीं। बाबा बाजू वाले अंकल के यहाँ बैठू ना, मैं यहाँ से जल्द खत्म करके आती हूँ। गौरवी जी, मैं अनुज। काम हो गया आपका? नहीं, वही पूछना था, अब ये इवेंट कब तक चलेगा? 2 घंटे तो कम से कम। बोर हो रही है? नहीं, अब मुझे ना एक्चुअली निकलना था, कुछ अर्जेंट काम था। हाँ ऐसे नहीं, खाना खा के जाइएगा, खाना उस तरफ लगा हुआ है। एक्चुअली एनीवेज इट्स ओके, थैंक यू। ताई, हेलो ताई, आई एम सो पिस्ड ऑन यू। आई मीन ऐसे कोई जाता है क्या, फट से फुर हो गए? अरे मैं यहाँ खुद इतनी मुश्किल से घुसी हूँ, तुझे कहाँ बिठाती? अच्छा सुन, अभी एक प्रॉब्लम है, बाबा ना घर के बाहर लॉक हो गए हैं और आई कॉलेज में फोन भी नहीं उठा रही है, तो अगर घर के आस घर नहीं ताई, मैं लेक्चर में हूँ और मेरा अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैं रख रही हूँ। बाय 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 बाय। मुझे आपका साइन चाहिए था, इट्स अ लिटिल अर्जेंट। कैन यू सी आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग? Really sorry, I had no idea आपको वहाँ जाना था, but shut the fuck up. What urgency? तुम्हें conveyance slip पे signature चाहिए या company से free ride? हाँ, तुम्हारी urgency is more important than this event. This is our big day, okay? And you're fucking it up. तुम्हारी salary, तुम्हारा घर, हमारी company से चलता है, okay? So learn to respect your bosses. हाँ बाबा, हाँ बस आ ही रही हूँ जी। छोटे से स्टोव को सराब करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। I am very focused and have done everything to make an empire like ours. We are looking forward to a great, great, great next 2 years. What a great, great day. अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे पहले तो आपने कभी मेरी कोई बात इतनी जल्दी सुनी नहीं। और आप में से सबसे छोटा कौन है? हाँ तो उसका ठीक से ध्यान रखना, हाँ, और याद से जल्दी सो जाना सब लोग, ठीक है।
इट्स ओके, मैं चली जाऊं। अरे देखिए बारिश हो रही है, आपके चप्पल भी टूट गए, यहाँ आपको ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आइए ना, छोड़ देता हूँ। आइए आइए। थैंक यू। कोई बात। शी को बोला मुझे कुछ बात करनी है। मम, ही इज बिजी राइट नाउ। अभी इसी वक्त। आपने खाना खाया था इवेंट पे? हाँ खाया था, आई मीन जो खाया था बहुत अच्छा था और बाकी के लिए जगह नहीं बची। ताने समझता हूँ मैं। I'm sorry, लेकिन इवेंट चाहे जैसा भी था लेकिन लोग, आई मीन कुछ लोग इतने घमंडी कैसे हो सकते? दूसरे की प्रॉब्लम, उनका टाइम, उनके लिए रिस्पेक्ट कुछ मैटर नहीं करता है। और अगर खुद के पास पैसा है, पावर है, तो कुछ भी करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप? वही हमारे बॉस मिस्टर ऋषि मेहता। कैसा लग रहा है मेहता डायमंड के अकेले मालिक ऋषि मेहता? ये कंपनी जिसके भूते पर खड़ी है वो नाम ऋषि मेहता नहीं। मेहता डायमंड्स को सूरत की एक छोटी सी कंपनी से उठाकर यहाँ तक पहुँचाने में तुझसे कहीं ज्यादा मेहनत तेरे भाई की लगी है, और तूने उसका नाम एक बार भी नहीं लिया। मॉम, आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने भाई को रोक के रखा है क्या? आई मीन वो लोगों का सामना नहीं करना चाहते, तो इट्स माय फॉल्ट। नहीं, कितना बुरा नहीं है वो। हाँ, काफी प्रेशर रहता है तो। हाँ, सी आई अंडरस्टैंड प्रेशर रहता होगा, लेकिन एक साइन कितना टाइम जाता है एक साइन में? एक बार सुन तो ले कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है। आप कोई देख लीजिए ना, आपने इवेंट में मेरी कितनी हेल्प की, अभी एसी ऑफ कर दिया, थोड़ी सी इंसानियत क्या जाता है उसमें? आप बाहर क्राउड को संभाल रहे थे, शायद ऑफिस से कार भी मिली आपको, कंपनी में थोड़ा रुतबा होगा, लेकिन आपने अपना पावर नहीं दिखाया। शायद ये पावर वही लोग दिखाते हैं जो कंपनी ओन करते हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो, अपना मूड बिगाड़ने का हक अपने हाथ में ही रखे, किसी और को मत सौंपिए। अरे तुम्हारा लेफ्ट में ही घर है ना, तुम उतर जाओ, मैं मैडम को छोड़ दूंगा। जी सर, थैंक यू। मेहता डायमंड्स का वो मालिक शायद आज भी अपनी पुरानी कार को लेकर किसी काम के लिए गया होगा, क्योंकि मैंने जो उसे नई कार दी है वो उसने तेरे दोस्तों को घर ड्रॉप करने के काम पर लगाई होगी। डन। पर बारिश को समझ गए, भीगेंगे नहीं आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, वेलकम। मुझे बोलना है। हाँ, बट मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर डोंट मेंशन की जगह यो वेलकम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। यू आर वेलकम। आई एम सो सॉरी, पर मैं आपका नाम भूल गई। वो सामने नहीं आता क्योंकि उसे काम करना होता है। हमारे कुल स्टोर्स की गिनती तुझे नहीं पता होगी, पर अनुज को हर स्टोर में रखे हर हीरे की जानकारी है। ऋषि, मालिक वो नहीं होता जो स्टेज पर जाकर चार बातें कर लेता है, वो होता है जो गद्दी पर बैठता है और गद्दी चलाता है। अनुज, सारी दुनिया उन्हें मेहता डायमंड्स के ओनर के रूप में जानती थी, वो एम्पायर रन करने वाले अनुज मेहता, मिदास टच रखने वाले। लेकिन मैं बिजनेस टाइकून अनुज मेहता की नहीं, एक बहुत ही सिंपल इंसान की कहानी कहने वाली हूँ। ये मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन सबसे अच्छा दिन होने वाला है। अनुज। हाँ सॉरी, पर पूरा नाम, वो ऑफिस आऊँगी ना वो छाता लौटाने के लिए। नहीं, ये रख लीजिए आप अपने पास, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है,
नहीं प्लीज आप अपना ऑफिस एड्रेस बताइए वरना मैं ये नहीं ले पाऊंगी। मेहता डायमंड्स की बीकेसी की जो हेड ऑफिस है ना वहाँ के सिक्योरिटी में दे दीजिएगा आप तो। ठीक है। मैं मिरेकल्स में बिलीव नहीं करती मगर उस रात मेरे साथ एक अनुज मेहता नाम का मिरेकल होने वाला था। मुंबई की एक ऐसी रात थी जिसकी खूबसूरत बारिश ने मुझे अनुज से मिलाया और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं उस इंसान की भी है जो मेरी जिंदगी में आया। ये कहानी हम दोनों की है। कैसी ये साजिश कर रही है बारिश जा पूरी होगी अधूरी ख्वाहिश कैसी ये साजिश कर रही है बारिश।